कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो चले हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पे डिस्कस करते हैं और उसकी सारी कंसेप्ट को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और पूरी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अब क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है। तो व्हेन एवर कॉन्ट्रैक्ट इज डन, वर्क इज डन, जॉब इज डन फॉर विच फिनिशिंग टाइम, कंप्लीटिंग टाइम इज मोर देन 1 ईयर। जब मोर देन 1 ईयर फिनिशिंग टाइम होता है तो ऐसी कॉस्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहा जाता है। अब भाई क्वेश्चन आता है कि कैसा है, कौन सा ऐसा जब होगा जो कि 1 साल से ज्यादा का टाइम लेता है। तो 1 साल के ज्यादा का टाइम लेने वाला बहुत ऐसे जब होते हैं जो 1 साल से ज्यादा का टाइम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे डीएलएफ है और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो बिल्डिंग बनाती है और फ्लैट्स बनाती है। ये सारी कंपनी में टाइम 1 ईयर से मोर लगता है। फिर दूसरी कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं, रोड, जो 1 ईयर से ज्यादा का टाइम लगता है। फिर दूसरा आपका हाईवे, हाईवे के लिए 1 ईयर से ज्यादा का टाइम लगता है। फिर फ्लाईओवर, फ्लाई ओवर अगर बनानी हो ये टाइम ज्यादा ले लेता है। फिर आपको अगर ट्रेन की लाइन बनानी हो वो भी आपको बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। जैसे एयरबस बनानी हो, ये सारी चीजें जो है आपकी बहुत, इसकी अगर कॉन्ट्रैक्ट ली जाए तो ये सारी कॉन्ट्रैक्ट की टाइम मोर देन 1 ईयर को लगता है, मोर देन 1 ईयर लगता। तो हमारी क्या होती है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है कि इसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली जाए। अगर मान लिया जाए, अगर सपोज कीजिए कोई काम हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसकी टाइमिंग क्या लग रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर यहाँ तक हुआ, 2 ईयर कंप्लीट हुआ, काम कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ 3 ईयर्स कंप्लीट हुआ, काम कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ 4 ईयर कंप्लीट हुआ, काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो भाई साहब इस टाइप के क्या यहाँ की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे कैसे अकाउंटिंग करेंगे, यहाँ पे कैसे अकाउंटिंग करेंगे, यहाँ पे कैसे अकाउंटिंग करेंगे, ये सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहा जाता है। दैट इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट को, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट आर द कंसेप्ट अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। We are going to discuss each and every concepts. Now, concept number one. First, I am going to discuss concept number one. Concept number one. Concept number one. First. The amount of, what is the concept number one? Contract is the big job. Contract is a big job. Big job, generally, big job, generally requiring the, generally requiring the acquisition period, requiring the acquisition period of more than 1 year, more than 1 year। सर आपका मोर देन 1 ईयर आपका एक्विजिशन पीरियड होना चाहिए।
अब दूसरे में देखिए, हाउएवर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउएवर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी क्लोज एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर. हाउ एवर द बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी क्लोज, मस्ट बी एंड, बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी एंड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर. हाउएवर द बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी क्लोज एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग अकाउंटिंग ईयर, इग्नोरिंग द परसेंटेज ऑफ, इग्नोरिंग द परसेंटेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कंटेंट, इग्नोरिंग द परसेंटेज ऑफ द कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. होता क्या है कि भाई साहब ऐसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बिग जॉब है जो एक साल से ज्यादा का टाइम लगता है, ठीक है. लेकिन आपका ये 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, यहां 3 ईयर के बाद समाप्त हो, हम यहाँ पे भी इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे, यहाँ पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट हम क्या करेंगे, बनाएंगे. क्लियर है ना बेटा. अब हमारा कंसेप्ट नंबर 2 आ जाता है. यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 2, नंबर 2 नंबर कंसेप्ट क्या होता है, देखिए सर, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये कॉस्टिंग होता है जिस कॉस्टिंग में मोर देन आपको 1 ईयर का टाइम पीरियड लगता है, ठीक है. अब हर एक साल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है. उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज बनाने का ये मतलब नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो कितने परसेंट कंप्लीट है या नहीं है, आपको हर एक साल बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत होती है. अब कंसेप्ट नंबर 2 में हम लिखते हैं, देयर आर 2 पर्सन इन्वॉल्व, देयर आर 2 पर्सन इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, 2 पर्सन इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कितने पर्सन आपका इन्वॉल्व होता है, 2 पर्सन अवेलेबल. एक तो कॉन्ट्रैक्ट देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करता है, एक काम करता है एक देता है. तो हमारे पास 2 पर्सन कौन कौन से हैं, कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी भाई साहब एक कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, अब देखिएगा. कॉन्ट्रैक्टी द पर्सन हु गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन Who gives the contract? एक वो पर्सन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट को देता है, उसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट देने वाला, काम देने वाला. हम इसको क्या कर सकते हैं, काम देने वाला, काम देने वाला को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. दूसरा क्या होता है हमारा, कॉन्ट्रैक्टर होता है, कंट्रेक्टर. तो हु इज अ कंट्रेक्टर, दिस इज द पर्सन हु एक्सक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन हु एक्सक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट. तो कंसेप्ट 2 में हमने क्या कहा कि भाई साहब 2 आदमी इसमें इन्वॉल्व होता है, एक तो कंट्रेक्टरी होता है जो काम को देता है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है जो काम को करता है, काम करने वाला, काम देने वाला
और ये क्या हो जाएगा, काम करने वाला, करने वाला, ये काम करने वाला हो गया, काम देने वाला, काम करने वाला। अब हम क्या करेंगे, कंसेप्ट नंबर थ्री की ओर आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट नंबर नंबर थ्री। अब कंसेप्ट नंबर थ्री हमारे पास क्या है, देखिएगा कंसेप्ट नंबर थ्री में क्या होता है, ये कंटेक्ट अकाउंटिंग एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और उस नॉमिनल अकाउंट में सारी एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में डेबिट करते हैं, और रिवेन्यू को हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कंट्रैक्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, कंट्रैक्ट अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कंट्रैक्ट अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट इन व्हिच ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस आर डेबिटेड डेबिटेड एंड रिवेन्यू आर एंड रिवेन्यू आर क्रेडिटेड, रिवेन्यू आर क्रेडिटेड इन द क्रेडिट साइड, इन द क्रेडिट साइड। अब आपको ऑल एक्सपेंसेस का नाम एक अलग सा दिया जाता है, जितने भी एक्सपेंसेस होता है उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, ऑल एक्सपेंसेस आर टेक्निकली, ऑल एक्सपेंसेस आर टेक्निकली नोन एज, टेक्निकली नोन एज कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कहा जाता है, हम इसको कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कहते हैं। भाई साहब यहां कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कहते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या होता है सर, देखिएगा यहां पे मैंने कहा कि ये सर डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होता है हमारा, ये सारे हम यहां पे लिखते हैं इस साइड, और जितने भी हमारे पास रिवेन्यू होते हैं वो रिवेन्यू को हम इस साइड में लिखते हैं, इस साइड में हमारे रिवेन्यू होता है और इस साइड में डेबिट होता है। ठीक है ना। अब हम कंसेप्ट नंबर फोर की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फोर नंबर कंसेप्ट में क्या है, कंसेप्ट नंबर फोर, फोर नंबर कंसेप्ट में हमारे पास क्या है, फोर नंबर कंसेप्ट में हमारे पास है, बहुत ऐसे खर्चे होते हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं होता है, वो हमारी उस कॉन्ट्रैक्ट से पार्टिकुलर खर्च नहीं हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने ऑफिस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के ऑफिस के लिए नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने पेपर रजिस्टर मंगाया, पेन मंगाया, हमने उस ऑफिस के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया, कंस्ट्रक्शन करवाया, तो दैट आर द कॉस्ट ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखेंगे, दैट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम नहीं लिखेंगे, उसको कहां पे जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। इसको लिखेंगे इट मे बी क्वाइट पॉसिबल
इट मे बी क्वाइट पॉसिबल पॉसिबल दैट देर आर सम एक्सपेंसेस देर आर सम एक्सपेंसेस सम एक्सपेंसेस which cannot be identified. There are some expenses which cannot be identified with a particular contract, हम पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आइडेंटिफाई होता है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट सच एक्सपेंसेस कैन नॉट बी चार्ज टू सच कॉन्ट्रैक्ट सच एक्सपेंसेस कैन नॉट बी चार्ज टू सच कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसी एक्सपेंसेस को उसमें चार्ज नहीं करते हैं सच कॉन्ट्रैक्ट इनफैक्ट इट विल बी डायरेक्टली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द इट विल बी डायरेक्टली चार्ज्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अब उसको डायरेक्टली हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये कंसेप्ट नंबर 4 हो गया ठीक है अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंसेप्ट नंबर 5 अब कंसेप्ट नंबर 5 में हम क्या डिस्कस करते हैं कंसेप्ट नंबर 5 में देखिए कंसेप्ट नंबर फाइव हम डिस्कस करते हैं कि भाई साहब हमारे पास एक कंट्रैक्टर है कंट्रैक्टर ए बी सी है भाई साहब इस कंट्रैक्टर का दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अब भाई कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट सेकंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट थर्ड ये इसका अलग प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इसका अलग प्रॉफिट और लॉस होगा इसका अलग प्रॉफिट एंड लॉस होगा अब क्या करते हैं हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्ट्रैक्ट एबीसी के आपके कॉन्ट्रैक्टर जो एबीसी का प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें ट्रांसफर करेंगे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस हम उसकी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे ठीक है तो इसको हम लिखते हैं कंसेप्ट नंबर 5 में हमारा कंसेप्ट नंबर 5 नंबर फाइव वी आर रिक्वायरिंग टू प्रिपेयर a separate account of each contract
separate account of each country for the purpose of calculating the profit or loss from each such contract. For the purpose of calculating the profit and loss of such contract. Profit and loss of such contract. The amount of profit and loss. The amount of profit and loss. Profit and loss. The amount of profit and loss profit or loss calculating the profit or loss such contract the amount of profit or loss profit or loss profit or is to be transferred to profit or loss to be transferred to to be transferred to profit and loss account of the business organization. To be transferred to profit and loss account of the business organization. Business organization. भाई साहब आपने क्या करेंगे सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे जितने भी आपका कॉन्ट्रैक्ट का होगा उसकी प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे जैसे मैं आपको बनाता रहा कॉन्ट्रैक्टर एबीसी है कॉन्ट्रैक्टर एबीसी है इसका भाई तीन प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट बनता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट इसका हमने प्रो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेकंड इसका सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेकंड का हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया अब आपका आ गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट थर्ड ये तीन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा इनका भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा अब आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एबीसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एबीसी एबीसी का भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा अब सुनिए मैं क्या कर रहा था अब देखिए मान लो कि ये पहले में आपका प्रॉफिट आ गया सेकेंड वाले का लॉस आ गया इसमें भी आपको प्रॉफिट हो गया अब क्या करेगा ये लॉस यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा ये प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा ये प्रॉफिट भी यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी का तीन चार अलग अलग जगह हमारे पास क्या चलता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है एक कंपनी का एक जगह नहीं दो तीन चार पांच जगह कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है और जहां पे भी उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा पूरी प्रॉफिट एंड लॉस को हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ठीक है तो ये भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया और जो कंसेप्ट इसके बेसिस पे नहीं क्लियर होगा वो आपको हम क्या करेंगे आपकी इसके बेसिस पे हमारी जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा
वह हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन करते करते आपकी सारी कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन करेंगे तो सारी कंसेप्ट आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से आपको हम अपने आप क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। अब कंसेप्ट नंबर सिक्स में हम पढ़ते हैं आपको फॉर्मेट। कंसेप्ट नंबर सिक्स, कंसेप्ट नंबर सिक्स में हम फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ते हैं। फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है सर? फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें स्टडी करनी है, फॉर्मेट स्टडी करनी है। अब इसको आपको बहुत अच्छे से समझनी है। इसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ए हम आपको बनाते हैं, नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ए फॉर 2017 का हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। यहां रुपीज हो गया, यहां पे रुपीज हो गया। अब हमारी अकाउंट्स बनता है, इसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं। चलिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू रॉ मटेरियल। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पे हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं। अब रॉ मटेरियल को जनरली क्या होता है, रॉ मटेरियल हमारी क्या होती है कि बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट चलती रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं किसी एक जगह हम पूरी रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और वहां से डिफरेंट 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 जितना भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है सब जगह क्या करते हैं, हम सप्लाई करते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी कंस्ट्रक्शन प्लेस पे कोई रॉ मटेरियल हमारे पास शॉर्टेज पड़ गई। अब हमारे पास फोन आया कि भाई रॉ मटेरियल हमारे पास शॉर्टेज पड़ गई और वो रॉ मटेरियल हमारी स्टोर में भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट सप्लायर को फोन करेंगे और सप्लायर से कहेंगे कि भाई साहब मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तुरंत इमीडिएट इस कॉन्ट्रैक्ट पे आप क्या कर दीजिए, आप सप्लाई कर दीजिए। या हम क्या करते हैं, किसी दूसरे साइट पे हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, सरप्लस है, और किसी एक साइट पे उसकी रिक्वायरमेंट, तो हम क्या करते हैं एक साइट से उस साइट पे हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को हम सप्लाई कर देते हैं। तो ये तीन जगह से हमारे पास रॉ मटेरियल आने का चांसेस होता है। तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, टू रॉ मटेरियल यहां पे हम लिख देते हैं एक में, फ्रॉम स्टोर, हमारे पास स्टोर से रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर ने हमारे पास रॉ मटेरियल दे दिया, सप्लायर फ्रॉम अदर साइड, फ्रॉम अदर साइड, ये हमने क्या किया, रॉ मटेरियल को ली। हमारे खर्चेज है, हमने पहले भी बता चुका डेबिट साइड में खर्चेज होता है, तो सर हमारे पास जो भी आएगा हम यहां लिखेंगे। अब टू टू लेबर, लेबर में क्या होता है हमारे पास, हम लेबर को पैसा पेड कर चुके हैं, तो पेड करेंगे तो यहां पे लिख देंगे, और आउटस्टैंडिंग होगा तो भी हम यहां पे लिखेंगे। अब यहां पे हमने ये लिखा, यहां पे ये लिखा, यहां पे ये लिखा, और यहां पे यह आउटस्टैंडिंग को लिखा और ये यहां पे आ, ठीक है। अब देखिए टू मशीन, हमारे पास मशीन होता है सर, मशीन हमने मशीन आपको परचेज किया, मशीन परचेज, और अगर मशीन परचेज है तो ठीक है, हमने परचेज किया किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो मशीन हम यहाँ पे लिख देंगे।
और लास्ट में जब मशीन खत्म हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, बाय मशीन यहां पे आ जाएगा, मशीन एट साइट। और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन टू डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन का जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू ओवरहेड, ओवरहेड कोई खर्चे जाए तो ओवरहेड की खर्चे को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इस साइड में क्या होगा, बाय मटेरियल एट साइट, साइट पे काम करता हुआ का साइट खत्म हो गया, साल खत्म हो गई, अब मटेरियल अभी पड़ी हुई है तो उसको मटेरियल को हम लिखेंगे बाई मटेरियल एट साइट, जो साइट पे हमारे पास मटेरियल है, ठीक है। रॉ मटेरियल रिटर्न टू द, हम कभी क्या करते हैं, रॉ मटेरियल हमारे पास सरप्लस आ जाता है चाहे खराब होता है तो हम डायरेक्टली सप्लायर को देते हैं कि भाई साहब ये रॉ मटेरियल आप लेकर जाओ, तो हम क्या लिखेंगे बाई, यहाँ पे ये हो गया, हम सप्लायर कर देंगे भाई साहब ले जाओ रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, हम सप्लायर को क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल को वापस कर देते हैं, या रॉ मटेरियल बाय रॉ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, हम स्टोर में हम सप दे देते हैं। तो ये सारी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो भी होगा। अब कोई कंट्रेक्टर रॉ मटेरियल, भाई साहब हम किसी साइट पे हम भेज देते हैं, रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू साइट, कोई साइट पे हम भेज देते हैं, कहीं दूसरे कंट्रेक्ट में भेज देते हैं, वहां पे भी हमारा रॉ मटेरियल चला जाए। बाई एबनॉर्मल लॉस भी होता है, एबनॉर्मल लॉस, अब एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, थेफ्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की चोरी हो गई, वो भी हमारे पास क्या होगा, हम यहां पे लिखेंगे उसके। जहां तक मशीन की बात है, अगर मशीन आपने परचेज किया हुआ है तो मशीन का हम क्या लिखेंगे, बाय रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिटन वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी, बाय सेल ऑफ, सेल प्राइस ऑफ मशीन, अगर कुछ मशीन को सेल किए हैं तो सेल प्राइस ऑफ मशीन लिखेंगे, बाय लॉस ऑफ मशीन हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, अगर कोई लॉस भी है तो हम यह सब लिखेंगे। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, आगे की ओर हमारे पास फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, अब देखिए हम इसको अभी भी इंटरप्रेट करते हैं यहां पे। अब जितने भी हमारी खर्चेज हुई है, ये खर्चेज को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, या बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट लिखेंगे यहाँ पे, जितने भी खर्चेज हैं, या ये माइनस करने के बाद, या हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, वर्क इन प्रोग्रेस बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसको अलग से आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, वर्क इन प्रोग्रेस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्लीज आप कंसेंट्रेट करेंगे। अब आपका वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिस्फाइड, यहां लिखते हैं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब देखिए सर, यहां तक हमारे पास सारे खत्म हो, ठीक है। अब हम यहां तक सारे लिखेंगे,
ये जो आएगा यहां पे लिखे हैं ट्रू नोशनल प्रॉफिट। अब यहां पे बहुत कुछ समझने की आपको है इस लाइन में। मैं समझता हूं कि इस यहां पे इस टेबल या इस साइड में कुछ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगले साइड में आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको वहां पे टाइम दूंगा और बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। अब कंट्रेक्टर कंट्रेक्टरी से कहता है कि सर मेरा काम थोड़ा सा अब कंप्लीट हो गया, अब आप कुछ पैसा दे दो मुझे। अब कंट्रेक्टरी कहता है कि यार तुम्हारा काम कैसे कंप्लीट हो गया, मैं तो आता हूं साइट पे तो कुछ खास काम तो मुझे दिखाई नहीं देता है, कुछ खड्डे खोने हुए रहते हैं, कुछ दीवारें लगाई रहती है, कुछ ये हुआ रहता है, ज्यादा तो काम कुछ नहीं दिखाई देता है, तो तुम्हारा हम क्या पैसा दें। अब कंट्रेक्टर कहता है कि सर आपको नॉलेज नहीं है इस बात की, आप इस बारे में कंस्ट्रक्शन के बारे में आप नहीं जानते हैं, मूर्ख है। आप किसी इंजीनियर को बुला कर लाइए, आप किसी आर्किटेक्चर को बुला कर लाइए, उसको पता है कि खड्डे खोदने में और मिट्टी को भरने में कितना पैसा लगता है। मेन मेरा काम ये बहुत आपने मैंने 40% 60% काम कंप्लीट कर लिया सर, आपको दिखाई नहीं देता। तो कंट्रेक्टर की रिक्वेस्ट पे कंट्रेक्टरी एक इंजीनियर को बुलाएगा या किसी आर्किटेक्ट को बुलाएगा, और आर्किटेक्ट के पास बहुत ही ज्यादा काम होता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि जब आप बुलाए तब वो आ गया और आपकी वैल्यूएशन कर दे। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो आर्किटेक्ट क्या करता है, आर्किटेक्ट एक सर्टेन टाइम देता है और साल के एंड तक वो काम कंप्लीट होने के पहले ही वो आता है और उसको वैल्यू कर देता है। तो आपका काम कितना कंप्लीट हुआ उसके बारे में आर्किटेक्ट ऐसे बतलाता है। अब मान लिया जाए हमारी अकाउंट क्लोज हो रही है, अकाउंट क्लोज हो रही है 31 मार्च 2017 को हमारी अकाउंट क्लोज हो रही है, और जो आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है वो आपको 15 मार्च आ गया, 15 मार्च। अब 15 मार्च को आकर क्या किया, वैल्यू किया वो कि भाई साहब आपने अभी 50% काम कंप्लीट किया है। अब 15 मार्च को ये काम कंप्लीट किया, 100% तो काम कंप्लीट नहीं हुआ, काम चल रहा है उसमें 50% सर्टिस्फाइड हो गया, तो आर्किटेक्टर जिस काम को वो कर देगा कि हाँ जी ये सर्टिस्फाइड हो गए, सर्टिफाई है, हाँ जी इन्होंने काम कर दिया हुआ है, द वर्क विच इज सर्टिफाइड बाई आर्किटेक्टर या इंजीनियर, द वर्क विच इज सर्टिफाइड बाई कौन सा होगा, आर्किटेक्टर वो सर्टिस्फाई करेगा, इज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्टर इज सेट टू बी वर्क सर्टिफाइड, इज सेट टू बी वर्क सर्टिफाइड। अब हम अकाउंट मार्च यहां पे हम खत्म कर रहे हैं, ये 31 मार्च आ गया भाई। अब यहां पे भी काम आपका हुआ, यहां पे भी काम हुआ, और ये काम आपने आपके हिसाब से यहां तक कंप्लीट हो गया 60%। तो उस पार्टिकुलर पीरियड में, उस पार्टिकुलर ईयर में 2017 में आपने काम तो किया 60%, लेकिन आर्किटेक्ट ने कहा कि नहीं जी आपने तो 50% नहीं काम किया है, सर्टिस्फाई किया।
या कोई सर्टिफाई का मतलब होता है कि आपने जितना का काम किया हुआ है उससे मतलब नहीं है। आर्किटेक्ट जो कह दिया कि भाई इतना का काम आपने कंप्लीट किया वो सर्टिफाइड है, और जो आपने काम बोला और आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई नहीं हुआ उसको अनसर्टिफाइड कहा जाता है। तो यहाँ पे 60% आपका काम कंप्लीट हम मानते हैं और 50% आर्किटेक्ट ने बोला, तो 10% जो वर्क है क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड है। इसको क्या कहते हैं, वर्क अन सर्टिफाइड, वर्क ऑन सर्टिफाइड। अब जो आर्किटेक्ट की काम ने सर्टिफाई कर दिया, इसकी जो वैल्यू निकालते हैं, इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होता है। इसकी जो वैल्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और सेल प्राइस होता है, कॉन्ट्रैक्टर जिस प्राइस पे सेल किया होगा ये जो वैल्यू निकलता है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे निकलता है। जो वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू दिस, और ये जो निकलता है ये वर्क अनसर्टिफाइड जो है, वर्क अनसर्टिफाइड जो है इसकी जो वैल्यूएशन करते हैं हम, वर्क अनसर्टिफाइड को इसकी जो वैल्यूएशन करते हैं वर्क अन कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, इसकी कॉस्ट प्राइस पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यूएशन। तो भाई साहब वर्क, मुझे विश्वास है वर्क इन प्रोग्रेस का बात आपको समझ आ गई। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है, हमारी काम कंप्लीट नहीं है, हमने 100% काम कंप्लीट करनी है लेकिन उसका कुछ पार्ट काम कंप्लीट है। उसमें दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है जो आप काम कर चुके हैं और इंजीनियर ने, कंट्रेक्टरी के इंजीनियर ने आया, कंट्रेक्टरी के आर्किटेक्ट ने आया, उसने भी कहा कि हाँ जी आपने काम कंप्लीट कर लिया, तो उसको क्या कहते हैं, वर्क सर्टिस्फाइड कहा जाता है। और जो काम आपने किया है लेकिन इंजीनियर सर्टिस्फाइड नहीं है, या आपने काम किया और इंजीनियर पहले आ गया और सर्टिस्फाइड नहीं किया, तो उसको क्या कहते हैं, वर्क अनसर्टिस्फाइड कहा जाता है। जो वर्क सर्टिस्फाइड होता है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो वर्क सर्टिस्फाइड होता है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस पे और सेल वैल्यू पे, जो कॉन्ट्रैक्टर सेल कर। जो वर्क अनसर्टिस्फाइड है, जो वर्क अनसर्टिस्फाइड है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसकी कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, अब इसको मैं लिख देता हूं, इसको मैं समझा देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट आपको समझना है, नोशनल प्रॉफिट। अब ये नोशनल प्रॉफिट हम क्यों यहां पे कहते हैं, भाई साहब आप पूरी की पूरी प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये भी मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नोशनल प्रॉफिट क्या होता है। अब देखिएगा, नोशनल प्रॉफिट, देखिए हम इसको 100% प्रॉफिट नहीं मानते हैं, इसको नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। इस प्रॉफिट से कुछ हम 100 इसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे कंट्रेक्टर की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसको नोशनल प्रॉफिट क्यों कहते हैं, उसका लॉजिक देखिए। एक बार क्या हो रहा था, एक ब्रिज बन रहा था और उस ब्रिज में काम हमारी 60% कंप्लीट हो गया था, तो 40% हमारा काम बाकी था। अब 40% काम जब चल रहा था तो अकस्मात किसी कारण से ब्रिज का एक पार्ट वो गिर गया नीचे। जब कोलैप्स हो गया ब्रिज का एक पार्ट तो उसको रिकंस्ट्रक्शन कराना पड़ा, और रिकंस्ट्रक्शन जब कराएंगे तो आपका एडिशनल कॉस्ट लग जाएगा, तो एडिशनल कॉस्ट लगने के कारण हो सकता है कि आपकी प्रॉफिट वो नहीं हो जो आपने सोचा। तो इसीलिए क्या करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, ड्यूरिंग द पीरियड आपका कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट से आप क्या करते हैं, अपने रिजर्व करते हैं अगेंस्ट वर्क इन प्रोग्रेस। कहीं इन केस फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसको क्या करते हैं, हम सेटअप करते हैं, और उस लॉसेस को सेटअप करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस प्रॉफिट में से सम रिजर्व ट्रांसफर करते हैं। अब सुनिए, इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से लिखूंगा। आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट के
बारे में बहुत अच्छे से क्रिकेट के में समझाया जा सकता है इसको। अब मान लिया जाए इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने आपको 250 आपका रन बनाया पहले फर्स्ट बैटिंग में 50 ओवर्स में, ऑस्ट्रेलिया ने 250 रन्स बनाया 50 ओवर्स में। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया कि 30 ओवर्स में 200 रन बना दिए। इंडिया ने 30 ओवर्स में 200 रन बना दिया। एवरेज इनका कितना था, एवरेज इनका कितना था, एवरेज था 250 डिवाइडेड बाई 50, दैट इक्वल टू 5 के एवरेज से इनको रन बनाना था, 5 के एवरेज से इनको रन बनाना था। अब इनके ने इन्होंने 30 ओवर्स में आपको 200 रन बना दिया। अब इनके पास कितनी बच गई, 20 ओवर्स बच गया, और 20 ओवर्स में रिमेनिंग आपकी रन कितनी बनानी है, रिमेनिंग रन कितनी बनानी है, 50 रन बनानी है भाई। तो एवरेज रन कितना हो गया भाई, एवरेज रिक्वायर्ड रन पर ओवर 50 डिवाइडेड बाई 20, 2.5 पर ओवर बनाना। भाई इंडिया के कितनी बैट्समैन आउट हुए थे, 2, 8 बैट्समैन भी इनके हाथ में थे। अब हुआ क्या, 30 ओवर्स के बाद जो मेन बैट्समैन है, मेन जो बैट्समैन है 30 ओवर्स के बाद, अब सुनिए यहां पे हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं बताइए, यहां पे क्या प्रिडिक्ट करते हैं, ये 100% ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इंडिया जीतेगा, कि भाई साहब 30 ओवर में तो 200 रन बना दिया, अब 2 बैट्समैन आउट हुआ है और अभी भी 8 बैट्समैन इनके पास है, अब 2.5 के एवरेज से रन बनानी हो जी जीत जाए। अब 30 ओवर से हम तो हम क्या करेंगे, इंडिया जीत क्या कर, हम मान लिए, हमने माना लेकिन एग्जैक्ट जीता नहीं है। अब इनमें क्या हुआ, मेन बैट्समैन क्या हुआ कि आउट हो गए, आउट। फिर न्यू बैट्समैन आया, न्यू बैट्समैन आया ये भी आउट, जो ये 2 पेयर था वो भी पेयर में आया वो भी आउट हो गया, हाथ बैठा नहीं। ऐसे करते करते बाकी 20 ओवर्स के अंदर 15 ओवर में ही ऑल बैट्समैन आउट हो गए और सिर्फ 40 रन ही बना। ऐसे पॉसिबल होता है कि नहीं होता है, ऐसे होता है सर, आप माने या ना माने ऐसे होता है। तो हम जब रनिंग पोजीशन में होता है काम, या रनिंग पोजीशन में कोई कर सकते हैं, हम 100% प्रॉफिट नहीं करेंगे, हम 100% प्रॉफिट देकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, शेयर होल्डर को हमने पैसा बांट दिया और शेयर होल्डर से करेंगे सर अब प्रॉफिट हो गया, अब बाद में लॉस हो जाएगा तो कौन बियर करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये नोशनल प्रॉफिट से हम क्या करते हैं, कुछ ना 100% पैसे को ट्रांसफर नहीं करते हम, इसको हम डिटेल में लिखाएंगे, पहले आपकी कंसेप्ट को मैंने समझाया ठीक है। अब एक और बात को देखिए, मैं एक एक करके सारी पॉइंट्स को मैं लिखा रहा हूं, यहां पे आ गया, तो यहां पे क्या जाता है भाई, नोशनल प्रॉफिट, यहां पे नोशनल प्रॉफिट हम लिखते हैं ठीक है, और यहां पे क्या होता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये यहां पे आ जाएगा, टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व फॉर
कंटिंजेंसी, हम कंटिंजेंसी के लिए हम कुछ पैसा रिजर्व करके रखते हैं, कुछ पैसा हम रिजर्व करके रखते हैं कंटिंजेंसी के लिए, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ गया कंटिंजेंसी के लिए, हम रिजर्व के लिए कुछ पैसा रखते हैं, ठीक है। अब एक एक करके सारी पॉइंट्स को मैं आपको समझाता हूं। अब हमारे नंबर कंसेप्ट नंबर वन, इसी में हम एक पॉइंट देते हैं, सबसे पहला पॉइंट, वैल्यू ऑफ वर्क सैटिस्फाइड दिस, वैल्यू ऑफ वर्क सैटिस्फाइड हम सेल प्राइस पे निकालते हैं और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ वर्क अनसैटिस्फाइड वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ये मैं पहले, अब एक पॉइंट में आता हूं आपको लिखने। इस पॉइंट को समझिए, व्हेन वर्क डन बाय बाय कंट्रैक्टर वर्क डन बाय कंट्रैक्टर एंड फॉर विच सर्टिफाइड हैज बीन डन एंड इट इज सर्टिफाइड बाय, इट इज सर्टिफाइड बाय इंजीनियर, ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इज सेट टू बी वर्क सर्टिफाइड। इसको हम क्या कहते हैं, वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यूड एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड इट्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है ना। अब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड वर्क, नाउ वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर बट बाय वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर बट इट इज नॉट नॉट सर्टिफाइड बाय इंजीनियर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टरी, कॉन्ट्रैक्ट टी देन इट इज सेट टू बी
वर्क अनसर्टिफाइड, इसको क्या करते हैं वर्क सर्टिफाइड, इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड एंड इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, इनकर्ड कॉस्ट इनकर्ड। अब एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं आपको इस एग्जाम्पल के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका कितनी है, रुपीज 1 करोड़, 1 करोड़ आपकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है। कॉस्ट इनकर्ड, रुपीज 40 लाख, वर्क डन टिल, वर्क डन डन बाय कॉन्ट्रैक्टर, सिक्सटी परसेंट वर्क सर्टिफाइड, फिफ्टी परसेंट इंजीनियर ने वर्क सर्टिफाइड सर्विस की फिट अप, वर्क अनसर्टिफाइड कितना होगा, वन सर्टिफाइड, ये 10% आपकी वर्क अनसर्टिफाइड है। अब इनकी दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पे हम लिखते हैं वैल्यू सर्टिफाइड वर्क, सर्टिफाइड वर्क की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 1 करोड़ का हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी, उसमें 50% सर्टिफाइड हो गया, तो भाई साहब उसने 50 लाख की काम कंप्लीट कर दिया, उसको 50 लाख रुपया। अनसर्टिफाइड का कितना होगा, अनसर्टिफाइड इनकी कॉस्ट पे निकालते हैं हम। अब देखिएगा कि जितना आपकी कॉस्ट लगी है अनसर्टिफाइड वर्क, सर आपने 40 लाख रुपया खर्च किया हुआ है, कितनी काम करने में 40 लाख रुपया खर्च कर दिया आपने, 60% वर्क करने में 40 लाख रुपया काम करेगा, तो 100% काम करने में कितना खर्च होगा ये पता चल गया, 60% वर्क पे 40 लाख, तो 100% पे कितना, लेकिन आपका काम डिसटिस्फाइड कितना हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ 10%, तो आपका कितना हो जाएगा ये 66,66,667 रुपया काम आपने अभी सर्टिफाइड सर्टिफाइड नहीं हुआ। तो इस तरह हम वैल्यू निकालते हैं, दैट इज द वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का एक्सप्लेनेशन हमने यहां पे बहुत अच्छे से किया, फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद कुछ कुछ टर्मोलॉजी होता है, उसको हम आपको एक एक करके लिखाते हैं, ठीक है। अब उस टर्मिनोलॉजी के बाद हम आपको फॉर्मूला बनाएंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हुआ। अब कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7, अब कुछ रिलेटेड बात है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द
अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी ट्रांसफर इज टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ एवर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ एवर इफ द हाउ एवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट 100% कंप्लीट हाउ एवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट 100% कंप्लीट 100% complete. It is not recommended. Complete. It is not recommended. Recommended. It is not recommended. It is not recommended to transfer. To transfer the complete amount of profit, transfer the complete amount of profit, profit to profit and loss account, to the profit and loss account of the organization. हम सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में सारे का सारे हम नहीं बांटेंगे, वो मैंने पहले बताया था. हम क्यों नॉमिनल प्रॉफिट में बांटते हैं उसका क्या रीजन है वो मैंने बताया आपको. इनफैक्ट इनफैक्ट इट इज रिकमेंडेड टू इट इज रिकमेंडेड टू ट्रांसफर ओनली अप It is recommended to transfer only a part of profit and loss account. Only a part of profit and loss, profit or loss, profit to profit and loss, part of profit to the profit. And loss account as reserve against working and remaining part for remaining part is kept as reserve against work in progress as reserve. Against work in progress. वो मैंने ये बातें मैंने क्या लिखा भाई इसके लिए लिखा हमारी जितनी प्रॉफिट है सारी की सारी प्रॉफिट को हम नहीं बांटेंगे हम कुछ पार्ट बांटेंगे कुछ पार्ट हमने रिजर्व रखे इस बात के लिए मैंने वो लिखवाया ठीक है. अब हमारे पास ये जो नॉमिनल प्रॉफिट होता है हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है ये जो नॉमिनल प्रॉफिट मैंने लिखवाया इसको हम क्या कर सकते हैं नॉमिनल प्रॉफिट को ये जो नॉमिनल प्रॉफिट होता है वो हमारी जस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है. जैसे हमने एक्सपेक्ट किया कि इंडिया जीत जाएगा इंडिया हार गई. अब आप देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 7 नंबर 8 अब कंसेप्ट नंबर 8 की ओर हम आगे बढ़ते हैं. द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितनी प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, हाउ मच प्रॉफिट विल यू ट्रांसफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टू ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल यू ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टू ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसके लिए फॉर दिस इंफॉर्मेशन इज गिवेन इन द क्वेश्चन. If there is no information about the no information in that case, if there is no information in that case, if there is no information in that case, some suggestions are given by the chapter, by the concepts. According to the suggestions, we will transfer the profit and loss. Okay, beta. अब इसको लिख लीजिए हम. The amount of profit to be transferred. The amount of profit to be transferred into profit and loss account of the organizations is according to the information given in the questions, information given in the questions. If there is no information is given, in that case, अगर कोई information नहीं दिया हुआ है, in that case, it is decided in the following manner. In that case, it is decided in the following manner. It is decided in the following manner. हमने इसको इस तरीके से डिसाइड करते हैं. अब देखिएगा बेटा कैसे डिसाइड करते हैं. देखिए परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिस्फाइड केस फर्स्ट. यहां लिखे थे इफ वर्क सर्टिफाइड is less than 25%. अगर आर्किटेक्टर ने 25% से लेस वर्क सर्टिफाइड किया हुआ है, अगर आर्किटेक्टर ने लेस देन 25% से लेस सर्टिफाइड किया है, नो प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड. सर कोई भी प्रॉफिट हम ट्रांसफर नहीं करेंगे अगर लेस देन 35% से कम है, तो नो प्रॉफिट इज ट्रांसफर. ठीक है, आगे हम देखते हैं केस टू. वर्क सर्टिफाइड फाइड 25% से ज्यादा और इक्वल 25% और मोर बट लेस देन 50%. अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोशनल प्रॉफिट वन बाई थ्री इंटू नोशनल प्रॉफिट, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड.
अब आपको दूसरी, केस थ्री, 50% लेस और इक्वल वर्क सर्टिफाइड और लेस और इक्वल और मोर, मोर ज्यादा है तो कितनी प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 2/3 नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड वर्क सेटिस्फाइड, रिसीव्ड वर्क सेटिस्फाइड। और ये सारी फॉर्मूला की लॉजिक आप क्वेश्चन कराते समय आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए केस फोर, केस फोर नियरिंग कंप्लीशन स्टेज, नियरिंग कंप्लीशन स्टेज। भाई साहब नियरिंग कंप्लीशन स्टेज में क्या होगा? अब देखिए नियरिंग कंप्लीशन स्टेज में चार तरीके से बनाए जाते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेथड वन, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला क्या होता है? इस्टीमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब आपको दूसरा मेथड आ जाएगा, मेथड सेकेंड, मेथड सेकेंड इस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड इसी का कैश कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिस्फाइड, कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिस्फाइड अब आपका मेथड थ्री हो गया। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। एक और तरीका है लास्ट मेथड फोर, चार तरीके से निकाली जाती है इसमें।
एस्टिमेटेड प्रॉफिट प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट होल डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू कैश रिसीव, होल डिवाइडेड बाय वर्क सैटिस्फाइड, वर्क सैटिस्फाइड। अब सुनिए, एस्टिमेटेड, अब हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो होता है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कंसेप्ट हमारा कौन सा हो गया था, ये 8, कंसेप्ट 9। अब इसमें न्यू एक टर्म आया है एस्टिमेटेड कॉस्ट, कंसेप्ट नंबर 9, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट प्लस एस्टिमेटेड प्लस कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट एस्टिमेटेड नोशनल एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट। भाई साहब अभी तक इतना कॉस्ट लग गई है, आगे कितनी कॉस्ट लगने वाली है उसको हम जोड़ते हैं। जैसे आगे हम इतनी रॉ मटेरियल लगने वाली है, इतनी प्लांट एंड मशीन लगने वाला है, इतना ओवरहेड लगने वाला है, उसको देखते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट 10, कंसेप्ट कितनी कंसेप्ट थी ये 9, कंसेप्ट नंबर 10, कंसेप्ट नंबर 10 में हम देखते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब आप देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि सर देखिए, हमने अभी सारी कंसेप्ट को डिस्कस किया, ए टू जेड कंसेप्ट को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बेसिस पे डिस्कस किया, लेकिन हमारी कंसेप्ट डिस्कस करने से आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ गया, ऐसी बात नहीं है। हम नेक्स्ट क्लासेज में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चार टाइप के होते हैं, चारों टाइप की प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करूंगा। सारी कंसेप्ट है उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बेसिस पे हम आपको सारी की सारी चीजें रिवाइज कराएंगे। अभी तो आपका रॉ बना, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट उसको बनाना है, प्रोडक्ट आप बनेंगे कैसे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर करके हम सारी कंसेप्ट आपको समझाएंगे। ओके ओके, थैंक यू क्लास, सी यू अगेन।